दसवां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो कई मायनों में उत्कृष्ट था, अद्वितीय था। मैं पिछले 3 विश्व हिंदी सम्मेलनों में हिस्सा ले चुका हूँ और उनको देखने के बाद उनमें अपनी भागीदारी के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये सम्मेलन कई मायनों में अलग था। सबसे पहली बात जो हमारा ध्यान खींचती है वो ये है कि यहाँ सिर्फ सैद्धांतिक चर्चाएँ मात्र नहीं हुई, यहाँ पर सिर्फ पर्चे नहीं पढ़े गए बल्कि सत्रों को व्यावहारिक बनाने की कोशिश की गई, उनको इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की गई, उसमें युवाओं को जोड़ा गया, उसमें लोगों को जोड़ा गया और सत्रों को इतना छोटा नहीं रखा गया कि वो अपना कोई प्रभाव न छोड़ पाएँ। दूसरी बड़ी बात जो प्रभावित करती है वो ये है कि राज्य और केंद्र सरकार में शीर्षस्थ स्तर तक इस सम्मेलन को जितना महत्व दिया गया और इसको जितना परिणामोत्पादक बनाने की कोशिश की गई वो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री किसी हिंदी सम्मेलन में जाए और एक सत्र का संचालन करे। बहुत ही प्रेरक चीज़ है, लोगों को ये उम्मीद जगाने वाली चीज़ है कि सरकार में शीर्ष स्तर पर कितनी गहरी भावना और कितना गहरा संकल्प हिंदी के प्रति मौजूद है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह जी, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, सुषमा स्वराज जी आदि का जितना इन्वॉल्वमेंट हमने देखा, कई सत्रों में तो वो शुरू से लेकर अंत तक बैठे हुए दिखाई दिए। तो जब इस तरह की का इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई देता है तो लोग स्वतः ही प्रेरित होते हैं और इसका एक परिणाम ये सामने आता है कि जब मंत्री खुद सत्र में मौजूद हैं तो ये उम्मीद बनती है कि सत्र में जो चर्चाएं हुई हैं, जो प्रस्ताव पास किए गए हैं, जो चुनौतियां सामने आई हैं उनका समाधान करने के लिए ज़रूर कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। तो सम्मेलन तो अपने आप में अद्वितीय था। भोपाल की जो मेज़बानी है उसके क्या कहने, वो हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे और हम अपने मित्रों को यही कहेंगे कि यदि आप भोपाल नहीं आए तो फिर आपने बहुत कुछ खो दिया। तो कहते हैं ना, जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मया ही नहीं, ये उस तरह का अनुभव था और हम बहुत ही सुखद यादें भोपाल की लेकर वापस लौटेंगे। जहाँ तक तकनीक का प्रश्न है, हमारा जो सत्र था उसमें चर्चा हुई विभिन्न पहलुओं पर, मानकीकरण पर चर्चा हुई, हिंदी की चुनौतियों पर चर्चा हुई, इनपुट की चुनौतियों पर, एप्लीकेशंस के बारे में, सॉफ्टवेयरों के बारे में, शिक्षा में तकनीक की भूमिका के बारे में, और जो मेरा प्रधान विषय था वो था रोज़गार में किस तरह की नई संभावनाएँ तकनीक के माध्यम से उभर रही हैं और वो भी हिंदी भाषा में। तो मेरी स्थापना ये है कि जिस तरह से लोग तकनीक को अपनाते जा रहे हैं, जिस तरह से भारत में लगभग 1 अरब मोबाइल फ़ोन होने जा रहे हैं, जिस तरह कंप्यूटरों का तेज़ी से प्रसार हो रहा है, उस तरह से बाज़ार में हिंदी की मांग बढ़ रही है और जब मांग बढ़ती है तो कंपनियां उस मांग को पूरा करने के लिए आगे आती हैं, उन्हें आगे आना पड़ता है और जब कंपनियाँ आगे आती हैं तो रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। तो उस लिहाज से आज हिंदी में रोज़गार के नए मौके सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार तकनीकों ने पैदा करने शुरू किए हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और ये जो मौके हैं ये कई प्रकार के हैं। पहले वो हैं जो तकनीकी कंपनियों में खुद में उभर रहे हैं, मिसाल के तौर पर लोकलाइजेशन का जो काम है या अनुवाद का काम है या हिंदी सॉफ्टवेयरों के विकास का काम है। दूसरे रोज़गार के मौके वो हैं कि हम सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कोई कौशल अर्जित करते हैं, जैसे कि टंकण का कौशल है, जैसे कि पेज मेकिंग का कौशल है, जैसे वेब पेज बनाने का कौशल है, एप्लीकेशन बनाने का कौशल है, और इस कौशल को हम सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनियों में नहीं बल्कि किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे न्यू मीडिया, जैसे शिक्षण का क्षेत्र जहां मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है, जैसे फिल्म जहां पर हम जाकर फोटोग्राफी और एडिटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी का जो कौशल हमें प्राप्त होता है वो कैसे नए मौके वहाँ पर भी प्रदान कर रहा है। और तीसरे हैं अनौपचारिक किस्म के अवसर, जिसमें आम आदमी अपना एक ब्लॉग बना लेता है और उस ब्लॉग के जरिए एडसेंस के जरिए कमाई करने लगता है, अपना यूट्यूब का चैनल बना लेता है और वो लोकप्रिय हो जाता है तो उस पर उसको आमदनी शुरू हो जाती है। और भोपाल में बैठा हुआ एक व्यक्ति कनाडा में बैठे हुए बच्चे को इंटरनेट के माध्यम से ट्यूशन दे देता है हिंदी में। तो ये जो नई नई संभावनाएँ तकनीक की बदौलत संभव हुई है, बहुत एक्साइटिंग भी है, बहुत विस्मयकारी भी है, बहुत उम्मीद भी जगाती है। धन्यवाद।